जय श्री कृष्णा। लाइट ऑफ एशिया स्वामी श्री हरिहर जी महाराज अनंत विभूषित विश्व पटल पर गीता का प्रचार करने वाले पुष्करणा संत परम पूज्य 108 स्वामी श्री हरिहर जी महाराज के अवतरण दिवस पर श्रद्धा के साथ प्रस्तुत। आपका जन्म जोधपुर के पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में श्री जेठमल जी पुरोहित गया फाल्गुन मास की पूर्णिमा 1899 में हुआ था। आपके जन्म का नाम श्री फतेहराज पुरोहित था। जोधपुर में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री दामोदर जी के साथ 1915 में कराची को आपने अपना प्रथम कर्म क्षेत्र बनाया। कराची में प्रकाशन मंदिर, हिंदी साहित्य समिति, गायत्री प्रचार मंडल, नवयुवक सेवक दल और मारवाड़ी सभा आदि संस्थाओं का संचालन करते रहे और उसी काल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आपको गीता भेंट की और गीता अध्ययन के लिए कहा। इससे पहले अपने छोटे भाई की असाध्य बीमारी के इलाज के लिए मध्य प्रदेश में आप धुनी वाले बाबा से भी मिले और उनसे प्रभावित हुए। एक तरह से धुनी वाले बाबा स्वामी हरिहर जी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। 1929 आप भगत सिंह के क्रांतिकारी दल द्वारा स्थापित नव जवान भारत सभा के मंत्री बने। 1930 में गांधी जी द्वारा प्रवर्तित दंडी यात्रा सत्याग्रह के अवसर पर जिला सिंध में स्थापित सत्याग्रही शिविर के आप प्रबंधक निर्वाचित किए गए। ब्रिटिश शासन ने इनको सिंध निर्वासन का आदेश दिया। तब आपने जोधपुर के निकट पाली नगर को अपना कर्म क्षेत्र बनाया और वस्त्र उद्योग केंद्र की स्थापना की। इसके साथ ही सामाजिक संगठन और धार्मिक जागरण का प्रयत्न भी लगातार करते रहे। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आपकी प्रशंसा करते हुए आपको अखिल भारतीय स्तर का नेता बताया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में आप राजस्थान के एकमात्र विशिष्ट प्रतिनिधि मनोनीत किए गए थे। उस समय ब्रिटिश शासन ने राजद्रोही घोषित करके आप पर कठिन प्रतिबंध लगाए। फिर आप अरावली की पर्वतमालाओं में एकांत साधना के लिए चले गए और आपको भगवत साक्षात्कार हुआ। इस तरह पूर्व के श्री फतेहराज अब स्वामी श्री हरिहर जी महाराज बन गए। भारत की स्वाधीनता के बाद अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में गीता ज्ञान के लिए प्रचार किया और मथुरा में पहले गीता आश्रम की स्थापना की, जहां पर आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन होते रहे। बाद में भक्तजनों के अनुरोध पर केंद्रीय गीता आश्रम की स्थापना दिल्ली में की गई और इसका उद्घाटन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। इस आश्रम में आध्यात्मिक विद्यापीठ की स्थापना की गई। गुरु प्रसाद नाम से हिंदी में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू हुआ। विदेशों में गीता प्रचार के लिए अंग्रेजी में एक मासिक पत्रिका मलेशिया की राजधानी से प्रकाशित होती है। सदगुरु श्री स्वामी जी के प्रयासों से भारत के कई प्रांतों, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर सहित सारे विश्व के प्रमुख शहरों में गीता आश्रम की 700 से अधिक शाखाएं स्थापित हुई। आपको स्मरण होगा श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और गीता के प्रचार प्रसार को स्वामी हरिहर जी महाराज हमेशा समर्पित रहे और उनकी प्रेरणा से साधक भी गीता माता से जुड़े। आपका अंतिम प्रवास समय में अधिकतर गीता धाम तिवरी जोधपुर में रहा। 31 मार्च सन 2000 आपने अपना भौतिक नश्वर शरीर त्याग श्री कृष्ण के दिव्य ज्योति में अपने को विलीन कर लिया। गुरुदेव की दी हुई शिक्षा को आत्मसात कर न केवल हम अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं बल्कि विश्व कल्याण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भगवद गीता हमारे जीवन का गुरु कृपा से आधार बने और हम उत्तरोत्तर स्पष्टता के साथ अपने जीवन में
संतोष सफलता अर्जित करें, गुरु चरणों में गुरु शक्ति से इस प्रार्थना के साथ इस संक्षिप्त सत्संग रूपी पावन प्रस्तुति में आप जुड़े, इसके लिए मंगल कामनाओं के साथ आपका आभार।